देखो ये इधर तो होगी आंख, देखो ये है इनकी आंख, इधर देखो ये हो गया मुंह, जो जीभ निकलती है नीचे से, ठीक है जी, ये हिस्सा तो पूरा ही दिख रहा है। बारिश के पानी में पानी अगर इतना हो जाता था ना ऊपर, कई बार घना पानी हो जाता तो भैया ये ऐसे निकल के ऊपर आ जाते थे, अच्छा और जो बारिश का पानी नीचे हो जाता था ना तो ये भैया नीचे चले जाते, जैसे कि गर्मियों में सूखता चले जाए तो ये नीचे हो जाते थे। सबसे बड़ी ये शक्ति, ये तो भैया मैं कह रहा हूँ अपना अनुभव और देखा हुआ, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जमुना मैया का जो पानी है वो बहुत विषैला हो गया था जल, उसको विषैला होने के कारण वहां पे जो गाय थी और जो मनुष्य स्त्री कोई भी थे, उस जल को जो भी पीता था वो मर जाता था। इस कारण वहां पे बहुत ही ज्यादा गायों का मरना, और भगवान तो उनके रक्षक है साक्षात ही, तो सिर्फ एक बॉल खेल कूद का एक लीला कर रहे थे भगवान, नर लीला इंसान का रूप लेके। तो उन्होंने फिर सुदामा जी उनके मित्रों के साथ में वो बैट बॉल वो खेल रहे हैं, तो खेलते हुए उस समय पे भगवान उसमें मार देते हैं, बॉल गिर जाती है जमुना जी में जाके। जमुना जी में गिरने के बाद में सुदामा जी रोने लगते हैं, उनके मित्र हैं कि मुझे नहीं पता, मेरी बॉल ला के दो। तो वो बॉल लेने के लिए जब जाते हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है भैया मैं तेरी बॉल ला के देता हूँ। तो वो पेड़ पर चढ़ते हैं, पेड़ पर चढ़ने के बाद में वो जमुना माता में दांक जाए अंदर, उसमें दांकने के बाद में फिर वहाँ पे उनकी माताएं उनके उनको मित्र हैं वहाँ खबर दे दें कि कान्हा जमुना मैया में दांक गए हैं। वो भागी भागी आम है, वो देखती हैं, देख के माता वहीं बेहोश हो जामे, उनके पिता वगैरह, क्योंकि वो बहुत छोटे से थे। उसके बाद वो अंदर पहुंच जा, अंदर पहुंचने के बाद जो कालिया नाग हैं, तो काली देह उसका नाम रख दिया गया था जहाँ पे रहते थे नीचे, तो वहाँ जाने के बाद में उनकी दो पत्नी थी, दोनों पत्नियाँ हैं, उन्होंने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा, उनको देखने के बाद वो मोहित हो गई कि हे इतना सुंदर बच्चा है, जो बच्चे पुत्र तू यहाँ से वापस चले जा। तो उनके भगवान बोले हैं वो तो कालियंजवड़ थोड़ा रेत के बराबर, कण के बराबर थोड़ा सा बल दिखाया, उसको पकड़ के उसको नाथ दिया है। नाथने का अर्थ है कि जैसे कि भैंस है या गाय है, उनको जो घना ही ज्यादा मरखना होता है तो उसको क्या करते हैं, हम नाथ देते हैं, रस्सी डाल देते हैं, उसे वो कंट्रोल हो जाता है। तो भगवान ने उसकी ये नार पकड़ के इस तरीके से उनको मारा है, वो नाथ दिया है। इनकी समझ में आ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कि हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरी समझ में आ गई है। फिर ये रोने लगते हैं, स्तुति करने लगते हैं कि भगवान मेरा अंदर जो जहर है, मेरी इसमें कुछ गलती नहीं है, कि मैंने ये पानी जो है कि मैंने ये जहर जानबूझ के फैलाया है, मेरे अंदर ही इतना जहर है कि जहां मैं रहूंगा वो तो फैलेगा ही फैलेगा। तो वो भगवान नाचे हैं, नाचने के बाद में उनके चरण छप गए हैं, भगवान ऊपर आ गए हैं। तो भगवान बोले हैं भाई तुम एक सागर है, उसका नाम लिया है कि तुम वहां पर जाओ, उस सागर में जाके उसके तट में जाके आप अपनी प्रजा और पत्नियों सहित विश्राम करो, और तुम्हें कोई भी गरुड़ या संसार का कोई भी तीनों लोकों में से जो स्वयं भगवान कह रहे हैं मेरा वाहन, तुम्हें देख के तुम्हारी चरण ही लेगा, क्योंकि तुम्हारे सिर पे किसके चरण है, मेरे। और जब मेरा वाहन है, जब उसको दिखेगा तुम्हारे सिर पे मेरे चरण है, तो वो तुमको खाएगा नहीं, वो तुम्हारे पैर ही लेगा, अर्थात तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहने से यहाँ पे गाय और जनजाति को बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है। और भैया मैं तो धर्म की रक्षा के लिए आया हूँ, ठीक है, मैं तेरे प्राण बचा रहा हूँ और इनको प्राण बचाना है, ठीक है, तो मैं तेरे को मार नहीं रहा हूँ, अब तू यहाँ से जा, और जाने के बाद में यहाँ से अपनों पीछे मुड़कर मत देखे, तब तक तू अपनी उस सीमा में ना पहुंच जाए। तब ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वहां से चल देते हैं। चलने के बाद में ये वृंदावन है, कालीदेह जो है वहां से ज्यादा कितनी दूर पड़ता है, यहाँ से ज्यादा 12 या 13 किलोमीटर होगा, 15 होगा, 15 किलोमीटर दूर आए। इन्होंने ये सोच लिया है कि शायद भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से, जैसा मैं सही बोल रहा हूँ और गलती हो तो प्रभु क्षमा करियो, इन्होंने सोचा है कि अब मैं काफी दूर आ गया हूँ, और जो भगवान ने कही है कि हाँ भाई, क्योंकि जमुना जो माता थी द्वापर युग में, अब तो वहां चली गई है, ये बहुत आगे तक थी, इतना तो आपने भी सुना होगा। तो इन्होंने सोचा है कि भाई अब तो मैं बहुत दूर आ गया हूँ, अब मैं पीछे मुड़ के देख लेता हूँ। तो ये भागते हुए ऐसे जब आ रहे हैं, तो इन्होंने इस तरीके से ऐसे मुड़ के देखा, तो उसी स्थिति में है, देखो ये जो ये हैं, जैसे कि हम सीधे भाग रहे हैं और एक साथ मुड़ के देखते हैं तो हमारा शरीर एक साथ यूं झुक जाए, जैसे इन्हें इस स्थिति में मुड़ के देखा है, तो इसी स्थिति में पत्थर के हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो तुम पत्थर के हो जाओगे। आगे जाके जो राजस्थान लग जाता है, वहां पर जाके इनकी पत्नी आए, तो उन्होंने देखा है कि हमारा पति कहाँ रह गया है, वहां पे जाके इनकी पत्नियों ने पीछे मुड़ के वहां पे देखा है कि भाई हमारे पति कहाँ रह गए, तो वहां पे जाके इनकी दो पत्नियां हैं, वहां पे दोनों पत्नी वो भी पत्थर की होगी है। अब ये जब तक ये कलयुग है तब तक तो इन्हें ये श्राप भोगना ही पड़ेगा, और बाकी तो भगवान श्री रामचंद्र जी कृष्ण भगवान की कृपा से ये सुनते देखते सब हैं, और जो आप यहाँ जी के मांगोगे हृदय से और इनको पूजोगे तो भाई देखो मिलेगा तो सब कुछ ही, क्योंकि कहते हैं ना हम अपनी भाभी हैं सबसे बड़ी, उन्हें छोड़ने के लिए जब जाते थे तो हम दोनों भाई छोटे छोटे से थे, इतने बड़े थे, ज्यादा 10 साल 8 साल इतनी उम्र थी,
उस टाइम पर तो ये बहुत सुंदर हो गए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की कृपा से ये देखो कितना कुछ हो गया है, यहाँ पे शक्ति है सिद्धि है तभी इतना कुछ हो गया है। उस टाइम पर सिर्फ इतना था कि गांव वाले लोग यहाँ पे आते थे और यहाँ पे मलमूत्र त्याग करके, मलमूत्र को त्याग करने के बाद में इन जो हमारे ये प्रभु के जिनके ऊपर चरण छुप चुके हैं तो वो भी हमारी निगाह में उनका स्थान इतना हो जाता है। तो यहाँ पे मलमूत्र त्याग करने के बाद में यहाँ पे आके और इनमें कोई ईंट मार जाता हो, पत्थर मार जाता हो, कुछ भी कर जाता हो, ये स्थिति थी। ठीक है जी, तो उस टाइम पे क्या था, अब ये पक्का कर दिया है, ये जो सामने तालाब है ना, इस तरीके का तालाब था ये सारा ही। तो भैया अपनी आंखें की देखी हुई बता रहे हैं, वहां पे जैसे बारिश का पानी भरता था तो हाईवे से हम उतर के आके देखते थे इनको, तो बारिश के पानी में पानी अगर इतना हो जाता था ना ऊपर, कई बार घना पानी हो जाता तो भैया ये ऐसे निकल के ऊपर आ जाते थे। अच्छा। और जब बारिश का पानी नीचे हो जाता था ना तो ये भैया नीचे चले जाते, जैसे कि गर्मियों में सूखता चले जाए तो ये नीचे हो जाते थे। सबसे बड़ी ये शक्ति ये तो भैया जितना पानी ऊंचा हो गया इनको कभी मोहना डूबो, कितनी अगर बाढ़ भी आ गई है ना आज तक इनका मोह नहीं डूबा इस गांव में। देखो मैं तो इस गांव का नहीं हूं, बाकी कोई भी बता देगा कि कभी ऐसा हुआ है कि इनका कभी मुंह यानी डूब गया हो। अगर पानी इतना हो गया है ना तो ये भी इतने हो गए हैं, अब पानी नीचे गया है ना इनका इससे ज्यादा स्थान, हाँ इतना ही रहा है जी। और